We also have Dr. Imam Umar Ahmed Ilyasi, Chief Imam of the All India Imam Organization, and it is your invitation that Mohan Bhagwat visited your home mosque as well as the madrasa. Mr. Ilyasi, what did you speak to Mohan Bhagwat about? दरअसल ये मेरा उनका जाती निमंत्रण था मेरा उनको और मैंने उनको जाती निमंत्रण दिया था इमाम हाउस आने के लिए तो वो यहाँ पर मेरे निमंत्रण पर इमाम हाउस पहुँचे हमारा कोई किसी तरह का कोई कार्यक्रम नहीं था पारिवारिक कार्यक्रम था और पारिवारिक उसके तहत वो आए और हम सब मिले You think, Mr. Ilyasi, that this could be an image-building exercise? देखिए मुझे तो सब मुझे ऐसा लगता है कि उनका यहाँ आना एक अच्छा संदेश है क्योंकि वो पहली मर्तबा मस्जिद में आए इमाम हाउस में आए हैं और उसके बाद मेरे साथ मेरे मदरसे में भी उनका जाना हुआ है आज और मदरसे में भी उन्होंने बच्चों के साथ एक अच्छी चर्चा करी उन्होंने करेक्ट 300 बच्चे मदरसों के उनके साथ उनकी अच्छी वार्तालाप हुई है तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा संदेश है क्योंकि हमारे सबके धर्म ज़रूर अलग हो सकते हैं हमारी परंपराएं ज़रूर अलग हो सकती हैं हमारे इबादत करने के तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं हम लेकिन हमारा सबसे बड़ा जो धर्म है वो इंसान और इंसानियत का है उसके नाते भारत में रहते हैं तो हम सब भारतीय हैं तो आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें भारतीयता को मजबूत करें राष्ट्र सर्वोपरि है यही पैगाम है यही संदेश है Mr. Ilyasi, you know, on one hand, you've got the UP government surveying madrasas and waqf properties, and Mr. Bhagwat going to a madrasa. What meaning do you read in both these things? नहीं इसके पीछे मतलब क्या निकाला जाए इसके पीछे मतलब एक ही है कि हमें सबको मिलकर अपने देश जिस तरह से हमारा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से हमारे इस देश को जिस ऊंचाई पे लेके जा रहे हैं और मुझे लगता है कि उसमें हम सबको भी चाहिए कि हम उसमें अपना योगदान दें अपने देश को आगे लेके जाएं यही हमारा मकसद है यही संदेश भी है यू थिंक मिस्टर इलियासी दैट दिस कुड चेंज पोटेंशियली द इमेज अमंग अ फ्यू इन द मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ द आरएसएस एंड द बीजेपी देखिए मुझे तो यही लगता है कि चूंकि हमारे देश की यही एक विशेषता है अनेकता में एकता तो मुझे लगता है कि ये यही हमेशा रहेगी और हम सब एक ही हैं और एक ही हैं और एक ही रहेंगे तो जहाँ तक आज हमें इस प्रयास को जो राष्ट्र के लिए हमें सबको आगे आना चाहिए उसकी आपको भी ज़रूरत है मुझे भी ज़रूरत है और हर एक भारतीय को ज़रूरत है हम सब मिलकर आगे बढ़े इसमें नो द क्वेश्चन दैट आई वाज आस्किंग वाज डू यू थिंक द मुस्लिम कम्युनिटी विल एक्नॉलेज एंड अप्रिशिएट दिस आउटरीच मुझे लगता है कि सबको मानना चाहिए क्योंकि देखिए आने जाने से जब कोई किसी के यहाँ आता है या कोई किसी के यहाँ जाता है तो आपस में जब मिलते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सारी गलतफहमियाँ भी दूर होती हैं तो संवाद जो है डायलॉग जो है वो तो कंटिन्यूस एक प्रोसेस है जिसे रहते रहना चाहिए होते रहना चाहिए